को प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये अडाप्टर इसका प्लग इन है बैक के ऊपर, ये इसको पावर वाला बटन पुश कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल ही डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना वो ऑन नहीं हो रही इसकी। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का लैपटॉप है, T420 मॉडल है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये अडाप्टर इसका प्लग इन है बैक के ऊपर, ये इसको पावर वाला बटन पुश कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल ही डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना वो ऑन नहीं हो रही इसकी। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। ये बैटरी उतार लेंगे इसकी, बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये स्क्रू है इसके, स्क्रू ओपन कर लेंगे, ये चेक करें ये रैम लगी हुई है इसकी, ठीक है, ये रैम उतार लेंगे। ये चेक करें कार्बन आया हुआ रैम को, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्बन आया हुआ है इसको। तो अभी इसका कीबोर्ड जो है ना ओपन कर लेंगे, क्योंकि एक रैम की स्लॉट ये है, एक कीबोर्ड के नीचे लगी होगी, कीबोर्ड इसका ओपन कर लेंगे पहले। ये कीबोर्ड ओपन कर लेंगे इसका, ठीक है, कीबोर्ड ओपन हो गया। तो अभी एक रैम की स्लॉट ये लगी है, ठीक है, ठीक है, ये स्लॉट जिसको भी जंग लगा होगा रैम को, ठीक है, कार्बन आया होगा इसके ऊपर भी, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर ये सीमोस लगा हुआ है इसका, जिसे हम सेल बोलते हैं, ये सीमोस ओपन कर लेंगे, ठीक है, ये जैक ओपन हो गया सीमोस का। तो अभी इसको पावर केबल लगा के एक दफ़ा अडाप्टर की, तो चेक करते हैं, ये अडाप्टर है इसमें, ये प्लग इन किया इसको, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जैक लगा लेंगे। ये लग गया कीबोर्ड, अब ये पावर वाला बटन पुश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। चलें इसकी सप्लाई वाले एरिया पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको चेक करते हैं ज़रा, इसके लिए ओपन करना पड़ेगा कम्प्लीटली। बिस्मिल्लाह, लें जी इसका सी कवर ओपन कर लीजिए, ठीक है, बिस्मिल्लाह, लें जी इसकी स्क्रीन ओपन हो गई है, बिस्मिल्लाह, लें जी ये बोर्ड आ गया इसका बाहर, ये बोर्ड बाहर निकाल लेंगे इसके, स्क्रीन ओपन करके। ले जी ये बोर्ड बाहर आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ चेक करें ज़रा, ये इसको कार्बन आया हुआ है, ठीक है, चेक कर रहे हैं, 3-5 वोल्ट की कॉइल, ठीक है। उसके बाद ये पीएफ को भी कार्बन आया होगा, इधर कार्बन वगैरह साफ़ करते हैं, फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर भी कार्बन आया हुआ है सीमोस के पास भी, पहले ये कार्बन फिनिश करते हैं इसका, सफाई करते हैं, उसके बाद जो है ना चीज़ें चेक करते हैं फिर इसकी।
बिस्मिल्लाह, ये कार्बन आया हुआ है, ये सफाई की है कार्बन की, ठीक है। लेकिन जब इसको ये अडाप्टर लगाते हैं हम, तो ये पीछे इसके बैक के ऊपर ये कंट्रोलर लगा हुआ मेन, ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर शार्ट है इसका। उसके बाद ये 3-5 वोल्ट का जो आईसी है, ये भी शार्ट बोल रहा है, ठीक है। ये भी हीट हो रहा है। उसके बाद ये अंदर भी इसके कार्बन लगा हुआ है। तो फिलहाल ये आईसी 3-5 की कंट्रोलर जो है ना, ये शार्ट है, तो उसको जो है ना बंद कर देंगे हम, पैक कर देंगे। इसका मदरबोर्ड ही चेंज होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।